अभी यहाँ दोस्तों हम लोग प्रधान कप पलसी में आए मैच खेलने। रविदारगढ़ ने टॉस जीत लिया, अपना फैसला बताया नहीं है। तो हम लोगों ने टॉस जीत लिया है, अभी फैसला आएगा। ये ओपन मैच है तो देखते हैं हमारी टीम जीतती है हारती है। अभी आज पहला मैच हम लोगों का, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आप मैच का लुत्फ उठाइए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पुरस्कार दिया जाएगा कमेटी की तरफ से, ये दर्शकों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। आप 50 रुपए जीत कर नाश्ता पानी कर सकते हैं आराम से। तो ये सबसे बड़ी जो इस कमेटी ने ये सूझबूझ कर ये निर्णय, ये डिसीजन बनाया है वो बहुत अच्छा यहाँ पर बनाया, जिससे कि दर्शक भी दूर दराज से आ रहे हैं मैच देखने के लिए। तो क्राउड कैप ये दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए रखा जाता है। ये सबसे बड़ी काबिले तारीफ होती है कमेटी की कि जो दर्शक आते हैं अपने मेहनत अपने पैरों से चलकर अपने टाइम पर निकलते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ होना जरूरी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 50 रुपए का क्राउड कैच लिए रखा गया है दर्शकों के लिए से। और ये कैच खाली क्राउड कैच वाली खाली दर्शक के लिए होगा, सर्वों के दरमियान खेला जाएगा। और ये पहले ताजिद का दीदारगंज में फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है। और मैं इस दीदारगंज की पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी टीम लेकर जिस तरीके से हमारे दरियापुर के स्टेडियम में आई है, प्रशांत की एम एम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ज्यादा कि हमारे क्यामुद्दीन साहब मुन्ना जो कि दीदारगंज के धावक है, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने काम को बहुत तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से अंजाम दिया था दीदारगंज में, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। लगातार स्टंपिंग यानी होल्ड कर दिया जाए तो यहाँ पर डॉक्टर अजय से की तरफ से यहाँ पर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो स्ट्राइक पर होंगे सलमान और स्ट्राइक पर होंगे अहमद, बाली मार के बॉलर तैयार, अभी अंपायर का सिग्नल का इंतजार। फिर कब्जा से सलमान के लिए अंपायर का सिग्नल, पहली गेंद पटकी गेंद और मेरे ख्याल से चौके मिलेंगे, 2 रन है क्लियर है उसमें। तो फिर से धीरे धीरे खत्म होते हैं सलमान के लिए पहली गेंद और मेरे ख्याल से वहीं पे सात गेंद पकड़ी गई सिंगल पर होंगे फरहान, नान स्ट्राइक पर होंगे सलमान और फिर कान बाली मारे तैयार, मेरा इसका इशारा हुआ वहीं पर प्लेसमेंट कर दिया इस गेंद को, अंपायर का इशारा हुआ। धीरे धीरे कदमों से फरहान के लिए, क्या खूबसूरत अंदाज में इशार के लग गया, ये तो बहुत सी दूर होगी और 6 रनों के लिए। तो 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर। फरहान के बल्ले से भी पहला छक्का लगा, अगली गेंद फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन वीडियो गेंद को समझ ना सके। बाकी का काम अगली गेंद फुरकान, धीरे धीरे कदमों से फरहान के लिए, देखता है क्या आता है, फिर से खूबसूरत अंदाज में खेला गया 7 और 6 रन। जी हाँ, बॉलिंग पर अपने साथ को अंजाम दे, एक छक्की गई पहुंचाएंगे मैच में उतनी मजा आएगी। फरहान फिर से तैयार, फुरकान धीरे धीरे कदमों से फरहान के लिए, अगली गेंद लेकर तो मेरे ख्याल से डिक्लेयर होंगे। जी हाँ, 2 रन, तीसरी 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है। 5 ओवरों के मैच में 2 ओवर पावर प्ले चलेगा, सर्किल प्रतिबंध रहेगा, उसका पूरा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक पर सलमान, नान स्ट्राइक पर फरहान, गौरव नबी पहला बल्ले का, 3 का दूसरा बल्ले का। 5 ओवरों का मैच दीदारगंज वर्सेस चरमा के बीच हो रहा है। हल्के के कदम दौड़ते हुए राइट आर्म राम नबी, अच्छा खेला है वहां रोहित मौजूद है और कैच पकड़ने के काफी खूबसूरत कैच कहा जाएगा रोहित के हाथों में। पहली ही गेंद पर फंसाया नवीद ने सलमान को और कैच आउट होकर हुआ बिलिंग वापस। नए बल्लेबाज विकास जा रहे हैं, स्थान लेंगे सलमान का, अच्छी सफलता दिलाई है आगे ही नवीद ने। करते हुए चलूंगा इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, पहली बार सामना करेंगे नवीद का विकास। नवीद हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म डाउन करके अच्छी गेंद डिपार्टमेंट के सहारे तरफ जा रही है, वहां खिलाड़ी आदेश मौजूद है, 1 रन जाएगा आसानी के साथ। खेता पट्टी के बल्लेबाज अकील ने पूरे 50 रन अपने पूरे किए थे, 8 शतक और अपनी टीम को जीत दिलाई। यहाँ आए तमाम दर्शकों को काफी बेहतरीन मैच देखने को मिला था
और अंपायर संभवतः इसे वाइड करार कर देंगे। लेग स्टिक पर भटक गए, नतीजा वाइड बॉल। एक रन आया। रोल बोर्ड दरियापुर ने सीमेंटेड पिच बनवाया है और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मानी जा रही है ये पिच। बहुत अच्छे तरीके से खेला है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, संभवतः एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। और एक ही रन लेना चाहा दोनों बल्लेबाजों ने और इसी एक रनों के साथ अब चरंगा का बढ़ता हुआ स्कोर। सामने है विकास, 5+5 ओवरों का ये मैच होता हुआ दीदारगंज वर्सेस चरंगा के बीच। चरंगा इस वक्त बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी के लिए दीदारगंज। अच्छा खेला है, कारपेट के सहारे ही खेला है, वहां फिर आदेश आ चुके हैं, एक रन मिल जाएगा आसानी से। दूसरा रन लेना चाह रहे हैं विकास, मगर साथी खिलाड़ी फरहान ने मना किया। काफी बेहतरीन फील्डिंग हो रही है इस वक्त दीदारगंज की, पावर प्ले में पूरी तरह से रोक कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। कारपेट के सहारे जो भी शॉट खेल रहे हैं, सिंगल के अलावा और कोई रन नहीं मिल रहा है। हवाई शॉट खेलना होगा फरहान को। बढ़ते हुए रनों की संख्या अभी भी चरंगा की है 19 रन। राइट आर्म राउंड के अपना वर्सेस दीदारगंज के बीच बॉलर नवीन हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, अच्छा संपर्क हुआ है इस बार और किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। फरहान के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का और इसी 6 रनों के साथ चरंगा का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। दिस बाउंड्री लाइन के प्रायोजक है मोहम्मद फैसल। एयर कंडीशन स्ट्राइक पर फरहान नवीन हमसे चले। एक बार फिर खेला है, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, संभवतः सिंगल मिल जाएगा आसानी से और इसी 1 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है। And about the third over, about the start, it's a very good timing. Chirangwa team is very good batting lineup. His only two over has gone. Score is very well. I think about the third over start. And the striker is a very good striker. It's a very good style on this six out of boundary. I think very, very good because this player is very amazing. And very confident for this batsman. I think about the third over has stopped. And under stop is batsman umpire. New baller at least. Akhilesh is new bowler, has a very good high confidence in this time and very long run up. He started this third over first ball and the striker is very good and the keeper also is very distanced because this bowler is going very fast. That's why he's stopping the ball. It's very distancing. It's all player will be come back. He's the one guy. It's going as fast. Just like them. It's a sticky shot. He's out of body for you. Just not done. I think it's a very good timing. Outstanding. Out of body for you. Six. And every player will be concentrated where is going the ball, not answering. The batsman already he has to reach and also his attack out of body 5-6. The bowler will be some pressure feeling and batsman is giving the pressure once again. Right hand batsman. Oh, just like Sam, it is a constant drive. I think the fielder is present at place and where will he throw a pick up the single. And the score is going very well and the soft delivery is crossed down pass. Just like Sammy want to hit but not outstanding very big appeal. And he has gone keeper gloves but batsman is not get ready for next ball. Just like Sam, this is what will happen. Oh, just like Sam, it is a digging shot. He is out of degree or point. But he has chance to degree a point because his circle ground down. And his understanding is wrong. That's why he is not any problem on the batting lineup. It's a very good giving the target because he is one by one batsman, a very good batsman, is giving the pressure on the baller lineup. And he is going for some Ankit once again. Place is a slug, kick shot. He wants to attack but is not visible, not understanding. But inside is going to come up out fielder. But when he throws, pick up the single, his score is going. It is last delivery. The under sharp telling batsman is in this signal. It is last delivery of this over. How to give the cover in 6 or 4? I want to see after some time. Once again, just like Sunny, it is very high up. He's going, yes, fielder is coming and taking the catch. I think it is control. That is a signal point. Is control. He's going and will stick up. Once again, it's completed. So, when will he throw? He's picked up 2 runs. I think he's tried to very good try for Ranga Vikas and now he's played really really good for Vikas ke liye dola shuru kiya pehli gate kya khoobsurat try se gar shot aur ye 6 umpire ka sara aata hua 6 runs ke liye to isse 6 runs ki madad se score ja pahuncha 44 runs par Salman kuch khas kar nahi dikhata hai ji ha lekin Vikas aur Farhan zarur kar rahe hain apni team ke liye agli gate Naveen ki कार्पेट के सहारे सिंगल तो मिलेगा, फील्डर वहां पे मौजूद है। जी हाँ, सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा।
एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है। पठैयार अंपायर के सिग्नल का इंतजार, अंपायर में अंजर का इशारा हुआ। नवीन अपने धीरे-धीरे कदमों से फरहान के लिए लेकर के थोड़े और हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छा से अंपायर का सिग्नल हुआ है, फरहान के लिए चलेंगे अगली गेंद लेकर। देखना है क्या होता है, सभी दर्शकों को इंतजार है। जी हाँ, कार्तिक के सहारे फील्डर वहां पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग कही जाएगी, एक ही रन मिलेंगे, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अंपायर का सिग्नल हुआ विकास के लिए, अगली गेंद विकास, क्या खूबसूरत अंदाज में खेला गया शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर खेल रहा तो लगातार बाउंड्री देखने को मिल रही है विकास के बल्ले से। कभी पर हाथ कभी विकास, क्या करा रहा है इस बढ़िया मूर्ति बाउंड्री हाथ ग्राउंड पर। तो नवीर अपने धीरे धीरे कदमों से विकास के लिए फिर से दौड़ना शुरू किया है। अगली गेंद उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ऊपर टंगी हुई है, नीचे दो प्लेयर ढोल रहे हैं। जी हाँ, कैच कर लिया गया विकास, तो पवेलियन होंगे विकास। अब विकास का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं अहमद। फुरकान अपना पहला ओवर अपनी टीम का आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग मार छोर पर तैयार है। दूसरा अच्छी गेंद थी, बाहर से अंदर की तरफ आई और बदन से टकरा गई। ये मैच होता हुआ चरंगाबाद से दीदारगंज के बीच, बहुत ही अच्छा खेला है, अच्छा संपर्क हुआ है। खिलाड़ी एक बार नीचे जा रहे हैं और उनके पहुंच से बाहर गेंद बाउंड्री लाइन से कुछ गज अंदर ही है अभी, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर दो रन पूरे किए, तीसरा रन भी ले रहे हैं और मेरे लगता है आसानी से पूरा कर लेंगे और कर भी लिया। तो तीन रन, स्ट्राइक पर फरहान नाथ, स्ट्राइक पर अहमद, बॉलर फुरकान। अच्छी गेंद थी, डिक्लेशन में दो रन मिल जाएगा और इसी दो रनों के साथ अब रनों की संख्या जा पहुंची चरंगा की 57 रनों पर। तो जो भी टीमें आई है वो आकर संपर्क कर लें और हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद थी, अच्छा संपर्क भी हुआ है, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वहां संभवता और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। ट्रेनिंग एंड रिपेयरिंग सेंटर मिल्लत नगर शाहगंज। फुरकान चले और इस अंपायर के इशारे का इंतजार होगा। आप स्टिक पर भटक गए, नतीजा वाइट वाले। फुरकान हमसे दूर जाते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा संपर्क हुआ है इस बार, खिलाड़ी नीचे जा रहे हैं और इस तरह कैच कर लिए गए, वहां आदेश मौजूद थे, काफी बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इसी तरीके के कैच के पकड़ने की जरूरत हो इसलिए फरहान को रोक लिया है वहां बल्ले अंपायर ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ है इस बार और किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। झाड़ू लेके आ जाओ पीछे यार। सरकार है और इस प्रायोजक है जो सर साउंड सर्विस हुबीगंज बाजार राजापुर। किसी भी प्रोग्राम होगा, ये भी काफी बेहतरीन मैच होगा और आखिरी गेंद तक संघर्ष होगा इस ग्राउंड पर। 5 ओवरों का मैच है, जीत के लिए 69 रनों की दरकार है दीदारगंज को अगर ये मैच जीतना है। तो जो भी टीमें आई है वो आकर संपर्क कर लें ताकि इसके बाद जो मैच होगा वो हड़वा और सतेंद्र क्लब के बीच होगा। वो मैच हो रहे हैं काफी हाईएस्ट स्कोर मैच हो रहे हैं। पहला जो मैच हुआ था 90 रन बनाना था और दूसरे में 69 रन। अच्छी गेंद, काफी बेहतरीन गेंदों का टारगेट था, विकास ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ऊंचा खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, छोड़ दे और इस तरह वहाँ खिलाड़ी एहसान मौजूद थे, कैच ड्रॉप किया है, इसका पूरा भुगतान भुगतना होगा चरंगा को। राइट आर्म ओवर द विकेट,
अच्छी गेंद और वहां खेला है, गेंद डिक्लेशन में जा रही है, दो रन मिल जाएगा। तो बल्लेबाज जैसे ही देख छक्का मार दे, अब ये लग जाए छक्का हो, बहुत अच्छा खेला है, सीधा खेला है। राइट आर्म और विकेट, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी गेंद और इसका राइट आर्म और विकेट से बात करेंगे। काफी अच्छी गेंद यहां पर कैचर की मांग है, यहां पर आसान दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ रन दो रन पूरा किया, यहां पर एक रन होने की उम्मीद थी लेकिन आसान काफी अच्छी गेंद यहां पर एक रन की मांग है, यहां पर वेस्ट फील्डिंग दो रन तो ले दो रन अब्दुल मलिक यहाँ पर कार्पेट के सहारे खेला है, काफी फील्डर दूर है, गेंद को फील करने दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, स्कोर उछलता कूदता। अब्दुल मलिक अंपायर गए फिर से तैयार, यहाँ पर गेंद गिल्ले क्षेत्र में चली जाएगी, यहाँ पर दो फिर से तैयार सतीश दुबला पत्र से कार्पेट के सहारे यहाँ पर राशि खेले, गेंद को फील किया फिर से सतीश, यहाँ पर डिगिलियर क्षेत्र में गेंद चली जाएगी, यहाँ पर दो रन मिलेगा। तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार, आसिफ का सामना करेगा, फिर से गेंदबाजी करेगा ताहिर, यहाँ पर कार्पेट के सारे खेल रहा है, गेंद सनसनाती हुई लाइन के बाहर, चार रन, गेंद सनसनाती तैयार, पटकी हुई गेंद थी लेकिन कीपर भी चूके, डेड बॉल, अंपायर का इशारा डेड बॉल, फिर से तैयार अब्दुल मलिक, यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, यहाँ पर कार्पेट के सहारे खेला है दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, फिर का सामना करेगा करारा साथ, यहाँ कैच की मांग है फील्डर, इसके नीचे देखते हैं कैच उठे, यहाँ पर कैच सतीश को तवीलियन वापिस आना पड़ेगा, कार्पेट के सारे खेला, यहाँ पर फील्डर है, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, फिर से तैयार सामना करेगा, पहली बार आमना सामना, कार्पेट के सारे खेला दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, स्कोर 28, यहाँ पर करारा सात, यहाँ पर फील्डर है, यहाँ पर सिक्स अलहमद, अच्छी गेंद थी, खेला है वहां खिलाड़ी मौजूद है, वहां एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ, और इसी एक रनों के साथ अब दीदारगंज का बढ़ता हुआ स्कोर जाता पहुंचा 35 रनों पर, बिल्कुल फरहान से अच्छी गेंद थी, बाहर से अंदर की तरफ आई, 35 रन बनाए, अच्छी गेंद कार्पेट के सहारे खेला है, फील्डर मौजूद है और वहां शायद स्टिक पर डायरेक्ट रनों की दरकार है, राइट आर्म राउंड विकेट और संभवतः इसे वाइड करार कर चले, अंपायर का सिग्नल हुआ, अच्छी गेंद खेला है कार्पेट के सहारे, आउटफील्ड गड़बड़ है, वहां एक रन मिल जाएगा आसानी से और वहां रन आउट होने का चांस, और इस तरह रन पूरा कर लिया, रन पूरा कर लिया बिल्कुल सही अंपायर का, अब्दुल मलिक चले, अच्छा खेला है, कार्पेट के सहारे ही खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन तरफ जा रही है, वहां एक रन मिल जाएगा और इस तरह रन आउट हो जाएंगे, वहां फिर कहां चले, अंपायर का सिग्नल हुआ, अच्छा खेला है, गेंद नीचे जा रहे हैं खिलाड़ी, संभवतः एक रन मिल जाएगा आसानी से और दूसरा रन ले रहे हैं, दो रन बहुत ही आराम से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और विकास फरहान अभी भी मौजूद हैं, कुछ अपनी टीम के लिए खास नहीं कर रहे, करारा सात अलहन कमिस्टो गेसन सनाते हुए लाइन के बाहर चला गया, बची हुई पांच के टूटे देखते अपनी टीम को जीत दिलाता है, यहां पर खतरा मंडरा रही, और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, यहां पर ओवर थ्रू काफी गंदा ओवर थ्रू था मिस्टर सद्दाम का।
काफी गंदा है और फिर भी कुछ गेंदों पर दूसरे क्षेत्र में गेंद जा रही है। हमारे सद्दाम ने गेंद को फील किया। अब पन्ना को वहीं पर हार का सामना करना होगा। फिर से तैयार फरहान अभी भी मौजूद है। नो बॉल अंपायर का इशारा नो बॉल कंदीदार को। फिर से तैयार फ्री हिट का कुछ करना सका बैटमैन फ्री हिट पर। यहाँ पर दो रन की मांग है, यहाँ दो मिलेगा। यहाँ बस एहसान की मिसफील्डिंग काफी थी। इस गेंद पर छक्का लगा तो मजा आने वाली इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। जब वाली मार से हमारे हमसे दूर होते हुए करारा शॉट। यहाँ पर डिग्री क्षेत्र में गेंद गई। अंपायर का इशारा दो रन। आखिरी गेंद फिर से तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। देखते हैं इस गेंद पर छक्का लगाता है। चरंगा इस मुकाबले में बनी रही। चरंगा ने इस मैच को आसानी के साथ जीत लिया है और यहाँ पर